पब्लिक टीवी आपकी आवाज। में होली के पावन पर्व पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेकों झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। वहीं होली का त्योहार सभी रंग गुलाल लगाकर मनाते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र के संदेश अनुसार कीर्तन निश्चय करते हुए एक दूसरे पर फूल उड़ाकर होली का पर्व मनाया। साथ ही पागवाड़ा के लोगों को एक सद्भाव का संदेश दिया और सभी कस्बा वासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का स्वागत किया और श्री राधा कृष्ण के नृत्य को देखा। सुंदर नृत्य ने सभी के मन को सम्मोहित किया। परमात्मा दास प्रभु छैल बिहारी मंदिर कहर वाला मंदिर से उद्देश्य है कि आज हमारा समाज बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है, वतन की तरफ जा रहा है। हमारे समाज के अंदर मांस खाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शराब पीने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नशाखोरी, जुआ, सट्टा, इसके विरोध में हमने ये सन 2016 से ये होली का महोत्सव मनाना शुरू किया है, जिसमें पुलिस प्रशासन शासन और पूरा पागवाड़े का समाज और हमारे आसपास के जितने भी गांववासी हैं सब क्षेत्र हमारे साथ बहुत अच्छे से खुशी से इस त्यौहार को मनाते हैं। और हमें ये उम्मीद भी है कि ऐसा ही त्यौहार हर जगह मनाया जाएगा भारतवर्ष में। हमारे यहाँ जो असली उद्देश्य है, हम रंग को और गुलाल को बिल्कुल बंद करना चाहते हैं, इनकी दुकानों और इनकी फैक्ट्री को भी बंद करना चाहते हैं, क्योंकि रंग और गुलाल में लोग दुश्मनी भी निकालते हैं तेजाब मिला करके, और रेता वगैरह कुछ घटिया चीज़ें आती हैं इसमें, इसलिए हम इसके विरोधी हैं। और इसीलिए आज आपने देखा कि हमारी रैली के अंदर गुलाब और रंगों का और पानी का कोई प्रयोग नहीं हुआ और आपको कोई नशेड़ी या जुआरी या शराबी दिखाई नहीं दिया। यही कारण है कि हम आज यहाँ पर दसों साल से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन शोभा यात्रा निकालते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं पागबड़ा में हर दिन, हर इतवार को तो कंपलसरी है, और कुछ महीने बीच में माह का महीना कार्तिक मास का महीना जब आता है तो लगातार पूरे महीने सुबह के 4 बजे उठ करके हम कीर्तन निकालते हैं।